मध्य प्रदेश के गुड़ में हुए बस हादसे में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सहायता राशि की घोषणा की। हादसे में मरने वालों को 4-4 लाख एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचे, जहां घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। हादसे के बाद से ही मध्य प्रदेश आरटीओ विभाग हरकत में आ गया। तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बिना परमिट वाली बसों को आरटीओ द्वारा जब्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। गुना बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने भी सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया और अब परिवहन विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में भी आरटीओ संजय तिवारी ने चेकिंग अभियान चलाया और बसों की जाँच की। मध्य प्रदेश के गुना में हुए भीषण सड़क हादसे से लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव तत्काल मामले को सदन में लेते हुए मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की है। साथ ही आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुना पहुंचे, जहां घायलों से मुलाकात की। साथ ही भोपाल आरटीओ संजय तिवारी सड़कों पर खुद निरीक्षण के लिए